दोस्तों रेलवे का सफर तो हम सभी करते हैं। रेलवे में दोस्तों टिकट बुकिंग सबसे बड़ा जंजाल होता है। किस तरह से टिकट बुक करें, किसी टिकट वाले बंदे के पास जाए जो पैसा लेगा दोस्तों, जो एजेंट वगैरह होते हैं आपसे डबल पैसा चार्ज करते हैं। खुद करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपको बना के बता चुका हूँ जहाँ पे आप किस तरह से तत्काल टिकट आपके मोबाइल से तत्काल टिकट बना सकते हैं 100% कन्फर्म। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हैं, प्री प्लानिंग पहले से कर रहे हैं दोस्तों कि आपको जाना है एक महीने बाद या दो महीने बाद आपको कहीं जाना, तो किस तरीके से आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे आपकी ट्रेन टिकट्स की दोस्तों, तो आज डिटेल में दोस्तों बताऊंगा। मैं आपको लाइव डेमो देने वाला हूँ कि मैं आपको टिकट करके दिखाऊंगा दोस्तों अहमदाबाद से भोपाल की, और भोपाल से अहमदाबाद की रिटर्न टिकट भी करूंगा, और आपको लाइव बताऊंगा किस तरह से आप बुक कर सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे दोस्तों अपनी टिकट्स अपनी फैमिली के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को, और उसके पास ही घंटी का बटन दिखता है उसे जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं ऑनलाइन टिकट बुक करना मतलब इतना इजी है कि आप आराम से घर पर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दोस्तों नहीं आइडिया होता, इसलिए वो एजेंट्स के पास जाते हैं और एजेंट्स आपको टिकट से ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। अगर 400 रुपए की टिकट है तो 800 रुपए आप चलेंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो सेगमेंट में बना चुका हूँ जहां पे मैंने आपको 100% दोस्तों वहां पे ट्रिक बताई थी जिससे आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। अगर वो वीडियो अभी तक ना देखा हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना दोस्तों, आपको पता चल जाएगा किस तरह से तत्काल करते हैं। तत्काल दोस्तों उस लिए किया जाता है कि आपको सडनली कहीं जाना हो तो आप एक दिन पहले तत्काल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्लानिंग है कि एक महीने बाद, 15 दिन बाद या 2 महीने बाद आपको कहीं जाना है मामा जी के घर या कहीं भी फैमिली के साथ, तो आप कर सकते हैं रिजर्वेशन पहले। ऑलरेडी आपको जाने का आने का दोनों रिटर्न टिकट कर सकते हैं आराम से। तो किस तरह से करते हैं मैं आपको लाइव बताऊंगा दोस्तों आज, और आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूं, पूरा डिटेल आपको बताता हूं किस तरह से बुकिंग होती है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे दोस्तों। तो दोस्तों हम जाएंगे सबसे पहले हमारी IRCTC की एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे दोस्तों आपको लॉगिन करना है। फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। और ये लॉगिन हो चुका है दोस्तों, वेरीफाई कर रहा है यूजर को। आप देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको जाना है बुकिंग में, और आपकी जो जर्नी है वो प्लान कर लेते हैं। पहले डेट देख लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हमें जनवरी में जाना है दोस्तों, तो डेट सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। अब देख सकते हैं, अब सर्च करते हैं ट्रेन कौन सी होगी दोस्तों डेट पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस ही एक इकलौती ट्रेन है जो जाती है। लेडीज चूज कर लेता हूँ मेरी वाइफ के लिए इसलिए, और यहाँ क्लास देख लेता हूँ स्लीपर क्लास। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी है। अब जनरल में मिल जाएगी क्योंकि लेडीज़ में अवेलेबल नहीं है, तो जनरल में आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 वेटिंग चल रहा है, देख सकते हैं वेटिंग जो है लिस्ट 6 नंबर पे है, तो कन्फर्म प्रोबेबिलिटी 19% हो है और हो जाएगा 92% कन्फर्म अवेलेबिलिटी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये कर लेना चाहिए क्योंकि 92% यानी क्योंकि एक 1.5 महीने बाद की टिकट है तो हो जानी चाहिए। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल आ चुकी है, सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे 350 रुपये हैं। अब यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, तो फटाफट से नाम डाल देते हैं। एज आपको यहाँ डाल देना है, उसके बाद आपको मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है, और बर्थ प्रेफरेंस जो है आपको यहाँ पे लिखनी है, तो लेडीज है तो ज़्यादातर हम अपर साइड ही चूज़ करते हैं कि आपको मिल जाए, या तो आप यहाँ पे नो प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं इसके अंदर। अपर चूज कर लिया मैंने। अब आप देखेंगे पूरी डिटेल आ चुकी है यहाँ पे, पैसेंजर की पूरी डिटेल आ चुकी है, 30 फीमेल और अपर बर्थ है। यहाँ पे नीचे नंबर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, जो नंबर आपको अपना डालना है वो आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हो करना। और यहाँ पे देखेंगे सारी डिटेल्स आ चुकी है, यहाँ पे एक एडल्ट है, कोई चाइल्ड नहीं है, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह 0 है, यहाँ पे IRCTC GST वगैरह देख सकते हैं, 350 रुपये टोटल है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कैप्चा आपको दिख रहा है, ये कैप्चा भर देते हैं, सिंपल सा होता है @6XERX ये आपको डाल देना है, ये कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं, सिंपल आता है। प्रोसीड टू पेमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ई वॉलेट और भीम UPI नेट बैंकिंग, तो आपको इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आप चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे ई वॉलेट भी चूज़ कर सकते हैं, भीम UPI भी चूज़ कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, पेटीएम वगैरह के जो UPI के जितने भी पेमेंट्स आपको मिल जाएंगे
और ई वॉलेट्स में आप जैसे समझ सकते हैं आपको पेटीएम वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भीम यूपीआई जो है दोस्तों आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, पेटीएम वॉलेट है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पेमेंट जो है आपकी 350 रुपये है, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड से मैं पेमेंट कर देता हूँ फटाफट से। तो डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, साल और CVV नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है, तो हम फटाफट से इसको डाल देते हैं दोस्तों। तो ये प्रोसीड टू पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट जो है दोस्तों प्रोग्रेस में चल रही है और कुछ ही सेकंड्स में हमारा जो पेमेंट है वो डन हो जाता है यहाँ पे। बस इतना सिंपल है, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको, ये मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा की डिटेल थी दोस्तों, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ये साइट पे लेके आ चुका है मेरे कार्ड के। अब यहाँ पे एक OTP मुझे सेंड किया जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, वो OTP जैसे मैं डालूंगा, क्योंकि जब भी आप डेबिट कार्ड से ऑप्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आपको एक OTP आपका कंपनी भेजती है, आपका बैंक भेजता है, OTP जैसे ही डालता हूँ वैसे ही पेमेंट डन हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने OTP डाल दिया दोस्तों, और अब मेरी जो पेमेंट है वो विद इन सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाएगी। और ये हमारा पूरा प्रोसेस दोस्तों सेकेंड्स का टाइम लेता है, प्रोसेसिंग हो रहा है पेमेंट, और यहाँ पे पेमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे डन हो चुकी है, पेमेंट जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको कंफर्मेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि ये लोडिंग चलता रहता है दोस्तों। आप देख सकते हैं बुकिंग कंफर्मेशन यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं ट्रेन नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपके मेल आईडी पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरी डिटेल आपके सामने। 350 रुपये और ये टिकट डन हो चुका है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये है हमारा जाने वाला टिकट। अब रिटर्न टिकट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से रिटर्न टिकट होता है दोस्तों आपका। एयरसिटी की एप्लीकेशन पे चलते हैं, इसको ऑन करता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे प्लान जर्नी में दोस्तों मुझे भोपाल से और अहमदाबाद की करनी है, और यहाँ पे मुझे मेरी वाइफ के लिए भोपाल से अहमदाबाद का रिटर्न करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डाल दिया ऊपर कहाँ से कहाँ तक, तो आपको यहाँ पे भोपाल चूज़ कर लेना जो लोकेशन आपकी है, यहाँ पे अहमदाबाद चूज़ कर लिया मैंने। जर्नी डेट दोस्तों आपको यहाँ देख लेनी है, जर्नी डेट जैसे कि मेरी जो होगी दोस्तों यहाँ पे जनवरी होने वाली है 14 यानी मंडे, तो मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ। और आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा दोस्तों किस तरह से काम करती है, 110% आपको इस तरह से ही करना है। और यहाँ पे सर्च ट्रेन में आपको जाना है, जैसे आप सर्च ट्रेन के ऑप्शन में जाएंगे तो एक ही ट्रेन है जो चलती है दोस्तों, वहाँ से मंडे टू सैटरडे चलती है दोस्तों यहाँ पे, और ये है दोस्तों जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद सोमनाथ जो है गुजरात का, वहाँ से जबलपुर तक जाती है और सेम वही वापस आती है। तो ये ट्रेन है दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, ऊपर आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए लोअर बर्थ मिलती है यहाँ पे दिव्यांग के लिए, जनरल कैटेगरी और लेडीज़ कैटेगरी। हम देखते हैं दोस्तों जनरल में क्या अवेलेबिलिटी है, जनरल में आपको जैसे क्लिक करेंगे तो जनरल के अंदर स्लीपर में जाऊँगा तो आपको दिखाता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं अवेलेबिलिटी है स्लीपर में 5 टिकट्स दोस्तों, देखते हैं 0005 टिकट्स अवेलेबल है, लेकिन मुझे लेडीज़ कैटेगरी में लेनी है तो लेडीज़ में जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और अब देखता हूँ दोस्तों लेडीज़ में स्लीपर अवेलेबल है। आपको क्लास अलग अलग मिलती है, जो क्लास आपको देखनी है स्लीपर देखता हूँ, स्लीपर में देखूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे 2 टिकट्स अवेलेबल अभी दिखा रहा है, देख सकते हैं 14 जनवरी 2019 14 तारीख, आप देख सकते हैं दोस्तों मंडे। तो यहाँ पे स्लीपर है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे स्लीपर मैंने क्लिक करके रखा है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे मुझे बुक नाउ में जाना है। और यहाँ पे जैसे मैं जाऊँगा दोस्तों यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको ऊपर देख जाएंगे, भोपाल देख सकते हैं जबलपुर एक्सप्रेस है दोस्तों, भोपाल से अहमदाबाद आएगी ये मंडे दोस्तों, निकलेगी वहाँ से और ये ट्यूसडे को यहाँ पे पहुँच जाएगी। पूरी सारी चीज़ें लेडीज़ है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह लेना है तो आप यहाँ पे इतना पैसा कटवा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे करना है ऐड पैसेंजर में करना है, और ऐड पैसेंजर में आपको यहाँ पे नाम डाल देना है, तो मेरी वाइफ का मैं नाम डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, एज डाल देनी दोस्तों, एज डाल दी, फीमेल सिलेक्ट कर लिया, मेल फीमेल जो भी दोस्तों कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट बर्थ प्रेफरेंस, तो यहाँ पे अब अलग अलग बर्थ का ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो अपर लेडीज़ ज़्यादातर ऊपर वाली सीट अच्छी लगती है, यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, पूरी डिटेल आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, और आपको देखेंगे दोस्तों पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा है, 350 रुपये कुछ हैं दोस्तों इसकी फ़ीस, और आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे आपको कैप्चा भरना है दोस्तों, ये जो है आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना, तो कैप्चा मैं डाल देता हूँ दोस्तों, ये जो है 37X3R
और ये होगा एट द रेट, देख सकते हैं सब कुछ आ चुका है। पेमेंट के लिए तब चलते हैं प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट में अलग अलग ऑप्शंस हैं, ज़्यादातर लोग वॉलेट यूज़ करते हैं, भीम यूपीआई अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। नेट बैंकिंग कार्ड से अगर करना है तो कार्ड से, तो यहाँ पे दोस्तों मैं जाऊँगा कार्ड से, देख सकते हैं मेरे पास जो कार्ड है दोस्तों रुपये का मेरा इंटरनेशनल कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे डेबिट कार्ड तो उससे मुझे करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मोस्टली आपको पेटीएम से करना चाहिए, अभी फ़िलहाल मेरे पेटीएम में बैलेंस नहीं था इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं डेबिट कार्ड से ही कर देता हूँ। तो Pay 350 350 रुपये पे करने हैं। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेटीएम वॉलेट का भी ऑप्शन आ रहा है, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन आ रहा है, और आपको यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज़ करूँगा। जैसे ही डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज़ करता हूँ, अब यहाँ पे तीन चीज़ें पूछी जा रही है, कार्ड का नंबर आपसे पूछा जा रहा है और कार्ड की एक्सपायरी जो आपको आपके कार्ड के ऊपर दिखती है दोस्तों, डेट आपको वहाँ पे बतानी है, महीना और डेट वो साल वो दोनों चीज़ें लिखी होती है, कौन सी डेट है और कौन सा महीना है ईयर है वो आपको आ जाएगा, मंथ और ईयर सॉरी। उसके CVV भी आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो पोर्शन है थोड़ा मैं दोस्तों काट दूंगा, ये दिखा नहीं सकता क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। और ये जो होगा दोस्तों मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पे लेके जाएगा, उनके पेमेंट गेटवे पे लेके चला जाएगा, और वहाँ से मुझे एक OTP आएगा, जो OTP 15 मिनट के लिए चलता है, उस OTP को मुझे यहाँ पे डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का आ चुका है, रुपये मेरा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है वो आ चुका है, यहाँ पे OTP मुझे सेंड किया जाएगा, OTP आ चुका है दोस्तों। और OTP मैंने दोस्तों यहाँ पे डाल दिया है और आप देख सकते हैं जो मेरा पेमेंट है दोस्तों प्रोसेस हो रहा है, और ये मेरा पेमेंट जो है दोस्तों प्रोसेसिंग के अंदर कुछ सेकंड्स लगते हैं और ये डन हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो पेमेंट है यहाँ पे डन हो चुकी है, मेरी ट्रेन टिकट यहाँ पे दोस्तों कंफर्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं स्लीपर क्लास है, लेडीज़ कोटा है दोस्तों, और ये देख सकते हैं दोस्तों डिपार्चर 14 को है वहाँ से और 15 को अहमदाबाद आ जाएगी, पूरी डिटेल आ चुकी है दोस्तों। एक लेडीज़ है यहाँ पे, 350 रुपये मेरे कटे हैं दोस्तों, ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने नहीं लिया है, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कंफर्म है दोस्तों मेरी स्लीपर 1, और देख सकते हैं अपर बर्थ है 38 नंबर की दोस्तों, यहाँ पर सीट मुझे मिल चुकी है, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी डिटेल है, और ये आ चुका है दोस्तों कन्फर्म टिकट है, और S1 कोच के अंदर दोस्तों 38 नंबर है, अपर बर्थ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरी टिकट डन हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी टिकट्स को डन कर सकते हैं, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही हार्डली दोस्तों 1 मिनट लगता है, आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। आपको किसी भी ब्रोकर या किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना किसी एजेंट को पैसे दिए आप खुद अपने घर पे कर सकते हैं। यह है दोस्तों फ्यूचर में अगर आपको 1 महीने 1.5 महीने बाद की बुकिंग करनी तो इस तरह से आप कर सकते हैं, उसमें आपको एडिशनल चार्जेस नहीं देने पड़ते। तत्काल टिकट किस तरह से बुक करते हैं उसके लिए एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे IRCTC का दोस्तों मुझे मैसेज भी आ चुका है कि आपका जो कन्फर्मेशन है वो कन्फर्म हो चुका है, ये सारी डिटेल आ चुकी है दोस्तों, कन्फर्मेशन मुझे मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों एक काम करता है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये डेमो अच्छा लगा होगा, आज मैंने आपको दोस्तों बता दिया कि किस तरह से आप घर बैठे बैठे अपने टिकट बुक कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उनको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे आए, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही आपको दिखेगा एक घंटी का बटन, उसको जरूर दबा देना, क्योंकि उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पे डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे नए वीडियो का, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।